ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के गिरिडीह में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सर्मा ने रैली में कहा कि अगर 400 सीट आई तो ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 400 सीट पर जीत हासिल करने के बाद में पीओके भारत में मिला लिया जाएगा। तो देखिए, दो बड़े स्टेटमेंट हेमंत बिस्वा सर्मा की तरफ से कहे गए। उन्होंने कहा कि अगर 400 पार इस बार बीजेपी लाती है तो ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर है वहां पर मस्जिद हटाकर मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 400 सीटें जीतने के बाद में पीओके भारत में मिला दिया जाएगा। हमारा साथ 300 सीट था, हमने क्या किया? हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, किया कि नहीं किया? किया ना, 100% किया ना। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना। अगर मोदी जी को 400 सीट मिलते हैं, मैं तो विश्वास करता हूँ कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा, ज्ञानवापी में मंदिर भी बनेगा, साथ में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का साथ विलीन हो जाएगा।